नावी, नीरा, मनी व्यू, लैंडिंग प्लेट, टू बैलेंस और किस्त हो गया, रिंग हो गया। भैया जितनी ये एप्स है ना, बहुत जल्द इनकी लाइसेंस रद्द होने वाले हैं या इनपे बहुत बड़ी पेनल्टी पड़ने वाली है। आरबीआई कुछ ऐसा ही करने जा रहा है, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहे हैं, एक आपको बता रहा हूँ जो मुझे खबर पता लगी है। ऐसा क्या करने जा रहा है, आपके फायदे की बात। अगर आपने लोन लिया है या लोन डिफॉल्ट कर दिया या कोई एजेंट आपसे बदतमीजी कर रहा है, तो आरबीआई 2024 में ऐसा क्या करेगा जिसमें आपको फायदा होने वाला है। इनका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो क्या चीज है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्या मुझे इन्फॉर्मेशन पता लगी है, तो एक काम करो, चैनल कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पर डायल कर लोगे @vinalib0, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का डायरेक्टली प्रोवाइड कर दूंगा, डायरेक्ट क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। हर बात मैं यूट्यूब पे नहीं बोल सकता हूं। दोस्तों आपको पता है, हमको पता है कि भैया लोन ले लेते हैं और समय से हम नहीं चुका पाते, तो कंपनी हमारा डंडा करती है, भाई लोन चुकाओ, रीपेमेंट करो, ऐसा करो वैसा करो, बहुत तकलीफें देती है एजेंट। खास करके जो रूल है आरबीआई का या लॉ है उसको फॉलो नहीं करती है। चलिए कोई बात नहीं, ये बात आरबीआई को पता लगी है, अच्छी सी बात है। अब यहाँ पे आरबीआई एक ऐसा नया रूल लेके आने वाला है, अगर किसी भी आपने एनबीएफसी से लोन लिया है 10,000, 20,000, 1,00,000, 2,00,000, कोई मैटर नहीं करता लोन कितना है, और वो कंपनी आपको परेशान कर रही है बिला वजह, मतलब कि वो कोई ऐसा इलीगल एक्टिविटी कर रही है, मतलब कि जिसको कह सकते हैं कि जो कानून है आरबीआई का या गाइडलाइंस है उसको नहीं मानती, उसके खिलाफ काम कर रही है, तो आपको उसका एक प्रूफ लेना होगा। आपको प्रूफ तो होगा आपके पास, तभी तो आप शिकायत कर पाओगे ना। अगर आपके पास प्रूफ है तो आप आरबीआई में उसकी अगर कंप्लेन करते हैं तो मैक्सिमम 2 से 3 दिन लगेगा, वैसे टाइम तो 5 दिन का है, लेकिन 2 से 3 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, या तो उस एनबीएफसी पेनल्टी मारी जाएगी आरबीआई की तरफ से, ठीक है, या उसका लाइसेंस रद्द करा जाएगा। और जो मुझे लगता है कि लाइसेंस तो रद्द नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे तो भैया गलती तो होंगे, एक बार में सबका लाइसेंस रद्द कर दे तो कोई एनबीएफसी नहीं बचेगी। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है उनको पेनल्टी मारी जाएगी, पेनल्टी हो सकती है 2,000 की हो, 10,000 की हो, 50,000 की हो, 1,00,000 की हो, वो कोई नहीं पता। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको ऐसा प्लेटफॉर्म आरबीआई दे रही है, अगर कोई भी किसी एनबीएफसी से, किसी लोन ऐप से, किसी एजेंट से तकलीफ है, प्रॉब्लम है, आपको प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, वहां पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं और आरबीआई 3 दिन के अंदर आपको उसका रिजल्ट देगा। आरबीआई इस पे काम कर रहा है, 2024 में बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे वो मनी भी हो, चाहे क्रेडिट भी हो, चाहे कोई भी ऐप हो, किसी का भी लाइसेंस रद्द हो सकता है, किसी भी पेनल्टी पड़ सकती है। ये नहीं है कि ये बड़ी ऐप है, इसके इतने मिलियन डाउनलोड्स हैं, ये बहुत पॉपुलर है, इसको छोड़ देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबको एक तरह से डील कराएगा, एक तरह से उसको जो है मतलब डील कराएंगे, भैया कि अगर तुमने गलती करी है क्रेडिट भी तुमको सजा मिलेगी, टू बैलेंस तुमने करी तुमको सजा मिलेगी, पेनल्टी भी मारी जा सकती है, लाइसेंस भी रद्द किया सकता है। लाइसेंस रद्द करने का तरीका यहाँ पे सुनने में ये आ रहा है, वो ये हो सकता है कि 10 दिन तक का आप काम नहीं कर सकते, किसी को लोन नहीं बांट सकते आप 10 दिन, और 10 दिन में लोन नहीं बांटेंगे तो कितना इनको नुकसान होगा आप सोच सकते हैं, ये डेली कितना करोड़ों का लोन बांटते होंगे तो कितना फायदा लेते होंगे। तो यहाँ पे ये काम मतलब हो रहा है, ऐसा नहीं है कि परमानेंट यहाँ पे लाइसेंस रद्द कर दिया, वो बात अलग है, वो भी हो सकता है, लेकिन जो सुनने में आया है या तो पेनल्टी मारेंगे या लाइसेंस रद्द करेंगे कि 1 महीने के लिए लाइसेंस रद्द। अब 1 महीने तक का कोई आप काम ही नहीं कर पा रही, सोचो क्या बीतेगी उस पर यार, लाइसेंस नहीं, वो लोन ही नहीं बांट सकती, लोन नहीं बांट पाएगी तो पैसा नहीं कमा पाएगी और उसका करोड़ों का नुकसान होगा। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे जो है आरबीआई कदम उठा रहा है, ऐसे में आप ही को फायदा मिलने वाला है। तो आप किसी भी ऐप से परेशान है, कितनी बड़ी ऐप है, तो यहाँ पे आरबीआई जो सर्विस ला रहा है, जो अपना पोर्टल ला रहा है, उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो आप बताइए कैसा लगा ये आपको। अभी देखिए, अभी हुआ कुछ भी नहीं, मुझे इन्फॉर्मेशन जो मिली है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आरबीआई की तरफ से जो अंदर चीजें चल रही है वो मुझे इन्फॉर्मेशन पता लगी, वो मैंने आपको प्रोवाइड करी है। तो आप बताइए क्या आरबीआई ये सही कर रहा है या नहीं, तो आपके लिए इसमें कितना बेनिफिट होने वाला है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये थी इन्फॉर्मेशन आरबीआई की तरफ जो मुझे पता लगी है 2024 में। मैं आपको क्लियर कर दूं, जो मुझे लगता है जुलाई में स्टार्ट हो जाएगी, टाइम लगेगा, कहाँ काम करना है, टीम गठित होगी, ये होगा वो होगा, थोड़ा टाइम लगता है ना, तो इन चीजों पे काम चलेगा, उसके बाद ही होगा, फिर किसी भी ऐप को बक्सा नहीं आएगा। तो दोस्तों इस पोर्टल के आने के बाद से ये फायदा होगा, हर ऐप अच्छे से काम करेगी, क्योंकि देखिए ये लोग बदतमीजी करेंगे, प्रूफ तो कैसे होंगे, आप प्रूफ बना के जब पोर्टल में डालोगे आरबीआई उनकी खाल भरेगा, आप वो सामने वाली कंपनी एनबीआई से जवाब दे नहीं पाएगी, तो या तो पेनल्टी मारेगी आरबीआई या उसका लाइसेंस रद्द करेगी, पेनल्टी मारेगी तो भी उसका नुकसान है, और अगर लाइसेंस रद्द किया 1 महीने के लिए 10 दिन के लिए तो भी उसका नुकसान है, 10 दिन में कितना नुकसान करवा देगी आरबीआई, क्योंकि आप लोन नहीं बांट सकते तो उतना नुकसान होगा इनको, कि लोन नहीं बांट पाएंगे तो 10 दिन में कमाई नहीं होगी, तो नहीं लोन बांटने पर कमाई होती है, तो लोन जब नहीं बांटेंगे तो सीधी बात है नुकसान ही इनका होना है। तो ये है पूरा आरबीआई का स्ट्रक्चर, और भी इसमें कुछ नया हो सकता है मुझे नहीं पता, जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको दे दी है दोस्तों। तो इसी के साथ मैं चलता हूं, मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।